अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो है मेरे पास डर्मा श्योर की ब्लीच। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से होगी डर्मा श्योर और ये जार पैकिंग में है। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई पाउडर, कोई डेवलपर, 20 वॉल्यूम, कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने एज इट इज़ इसको लगाना है। सिर्फ आपको इसके लिए ब्रश की ज़रूरत है। ठीक है, इसका रिव्यू दूंगी। इसके अलावा इसी की है मेरे पास हैंड एंड फुट ब्लीच। ठीक है, ब्लीच मास्क, और ये भी आपने विदाउट वॉल्यूम, विदाउट पाउडर, कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सेम ऐसे ही ओपन करना है और लगाना है अपने फेस के ऊपर। तो चले करते हैं स्टार्ट इसको लगाना। अब मैं लगाने लगी हूँ ब्लीच, और ब्लीच के लिए मैंने यहाँ पे अपने भाई को बिठाया है, इस वजह से कि ये ब्लीच जो है इसका ये फायदा है कि लड़कियां भी यूज कर सकती हैं और लड़के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपकी स्किन नीट होगी, आपके जो हेयर्स हैं वो लाइट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ब्लीच जो है वो सिर्फ आपकी स्किन को नीट करेगी, आपके बालों को लाइट नहीं करेगी। तो करते हैं स्टार्ट, और लगाने लगी हूं मैं। एप्लीकेशन करेंगे हम यूं, आपने पूरे फेस के ऊपर इसको लगाना है। कोशिश करिएगा कि अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करें, आंखों से बचा के। लगाने को तो मैं अपने फेस के ऊपर भी लगा सकती थी, लेकिन यहां पे भाई को बैठाने का मकसद ही यही था कि इसको लड़के भी यूज कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ब्रश पकड़ना है और अप्लाई करना है। कोई पाउडर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल तैयार ब्लीच है। यहां पे आप लोग पहले बालों में बैंड लगा दें, जो कि हमें याद नहीं रहा। और इसको हमने अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो है 15 मिनट के लिए लगा के रखना है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट भी। ठीक है, ये मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया, और इसी की जो सेकंड वाली है हैंड एंड फुट, वो हम अप्लाई करेंगे हाथों पे। ठीक है, चले भाई हाथ करें। ठीक है, ये देखिए मैं हाथों पे लगा रही हूँ, क्योंकि जेंट्स के आपको पता है बाल जो हैं वो पूरा हाथ खोलिए, यानी कि ये जो बाल हैं इनको बिल्कुल भी ये गोल्डन सा नहीं करेगी, सिर्फ स्किन को नीट करेगी। मैं सिर्फ हाथों पे लगाऊंगी ताकि आपको इसका पता चले रिजल्ट का। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैं यहां तक लगा रही हूं ताकि आपको इसके रिजल्ट का भी पता चल जाए। सेकंड वाला है, यूं इस तरह से आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और अब इसकी जो टाइमिंग है वो हमारी होगी 15 मिनट की। ठीक है, 15 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है, उसके बाद आपने स्पंज से इसको साफ कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम इसको करेंगे साफ। और साफ करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक अदर स्पंज और पानी। भाई आपको किसी किस्म की कोई जलन वगैरह तो नहीं फील हुई इसके साथ? बिल्कुल भी नहीं।
यानी कि देख लें भाई लड़के इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इससे जस्ट आपकी स्किन जो है वो नीट होगी। आप चाहें तो अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, रिव्यू देने का मकसद यही है कि हर चीज आपके सामने की जाए, बाद में कोई ये ना कहे कि शायद मूड पे कोई वाइटनिंग चीज लगा दी है। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ही सारा रिव्यू दूँ। यहाँ पे अब आप देख लें कि जितने भी फेस पे हेयर हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, सिर्फ इनकी स्किन नीट हुई है। ठीक है, अब आपको हाथों से पता चलेगा, हाथ साफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इनके जो हाथ के ऊपर बाल हैं वो वैसे ही हैं और स्किन नीट हो चुकी है। ये देखिए डिफरेंस आपके सामने है और आप इसको इजीली यूज करें। लड़के लड़कियां इवन जो 15 साल जिनकी एज है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टीन एज लड़के और लड़कियां इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप करीब से देखें और इसका रिजल्ट चेक करें। और इसी तरह हम दूसरा हाथ भी साफ कर देंगे। तो आज का ये हमारा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसका रिजल्ट आप भी अपने घर पे इजीली अपने बच्चों को भी इसको यूज करवा सकते हैं। देख लें फेस के ऊपर किसी किस्म का कोई रैश नहीं है, हाथों पे भी। इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।